Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine and taking good care of your health. Today we are starting exercise 9.2. I hope you learned previous lecture properly and you learn all the defines, because exercise 9.2 is totally based upon those defines. So first of all, we are starting question number 1. Show whether the points with vertices 5, -2, 5, 4 and -4, 1 are vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle. Open the page number 178, and given points are 5, -2, 5, 4 and -4, 1. आप देख सकते हैं ये तीन पॉइंट्स हैं, और हमने डिफाइंस पढ़ी थी स्केयर के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, पैरेललोग्राम के लिए भी 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और इसके अलावा रेक्टेंगल के लिए भी 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये तीन पॉइंट्स हैं, तो इट मीन हमारे पास कौन सी फिगर बन रही होगी, ट्राइंगल बन रही होगी, ये हम डिफाइन में पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन में भी गिवन है कि ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल या आइसोसेल्स, तो ये तो गिवन है। ना गिवन हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक ट्राइंगल ही बनेगी, बिकॉज 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो हमने ये बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तमाम साइड इक्वल हो तो हमें क्या आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो। और आइसोसेल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड इक्वल हो ट्राइंगल की और 1 साइड इक्वल नहीं हो, आइसोसेल ट्राइंगल कहलाती है। तो हमने ये बताना है कि ये पॉइंट कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ले लेते हैं 1, 2, 3। दिस पॉइंट इज पी, दैट इज 5, -2। दिस पॉइंट इज क्यू, आप एबीसी का नाम भी दे सकते हैं, 5, 4। दिस पॉइंट इज आर, दैट इज -4, 1। तो हम तभी बता सकते हैं ये साइड इक्विलेटरल है या आइसोसेल्स है, जब हमें पी क्यू, जब हम उसकी साइज का बताओ कि साइड की लेंथ क्या है। साइड्स की लेंथ लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि P और Q के दरमियान कितनी लेंथ है। वो जो लेंथ है वो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला आप चैप्टर नंबर 9.1 में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, x2 - x1 mod का स्केयर प्लस y2 - y1 mod का स्केयर, ये होता है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हमने अब क्या कर लेते हैं, हम साइड्स फाइंड कर लेते हैं किसकी मदद से, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं इन साइड्स की। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, पी और क्यू के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, पी क्यू, और उसको हम मार्ट से जाहिर करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। पी क्यू हमारे पास क्या आएगा, x2 - x1, q के पॉइंट्स होंगे x2 y2, p के पॉइंट्स होंगे x1 y1। क्योंकि आपको पता है ऑर्डर पेयर को हम x, y की शक्ल में लिखते हैं, पहला होता है x, दूसरा होता है y। अगर q दूसरा पॉइंट है तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे x2 y2, p फर्स्ट पॉइंट है तो हो जाएंगे x1 y1। तो x2 - यहाँ पर q दूसरा पॉइंट है, p फर्स्ट पॉइंट है, तो मैं q के पॉइंट्स में से P के पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। x2 - x1 मीन 5 - 5 का स्केयर प्लस y2 - y1 4 - -2 4 - -2 स्केयर, 5 - 5 0 मार्क का स्केयर,
और माइनस माइनस प्लस टू मार्ग का स्केयर, यहाँ पर क्या आएगा स्केयर रूट, जीरो का मार्ग जीरो होता है, डिस्कस कर चुके हैं पहले, और उसका स्केयर क्या होगा अगेन जीरो होगा। फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का मार्ग क्या होता है आपके पास सिक्स, सिक्स का स्केयर क्या होगा 36 का स्केयर रूट, पी क्यू मार्ग थर्ड सॉरी 0 प्लस 36 का स्केयर रूट, यहाँ पर आएगा 36 का स्केयर रूट, 36 का स्केयर रूट क्या होता है आपके पास 6 के इक्वल होता है। एंड नाउ अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू साइड फाइंड हो गई जो हमारे पास क्या है 6 है। अब हम फाइंड कर लेते हैं पी आर, पी आर, पी आर का जो डिस्टेंस है P और R के दरमियान जो लाइन है वो साइड, ये इस ट्राइंगल की साइड है, इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो R दूसरा पॉइंट है यानी ये X2 होगा ये X1 होगा, तो हम माइनस कर लेते हैं माइनस फोर माइनस इस फार्मूले से माइनस फोर माइनस फाइव मॉड का स्केयर प्लस वन माइनस माइनस टू मार्ट का स्केयर, माइनस फोर माइनस फाइव क्या आएगा आपके पास माइनस नाइन मार्ट का स्केयर प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू क्या आएगा आपके पास थ्री मार्ट, माइनस नाइन का मार्ट आपके पास क्या आता है प्लस नाइन आता है, क्योंकि मार्ट की यही खासियत है कि वो माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो अगर माइनस नाइन का मार्ग का स्केयर है तो मीन्स नाइन का स्केयर क्या आएगा आपके पास 81, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 81 प्लस थ्री का स्केयर नाइन, 81 प्लस नाइन क्या होता है आपके पास 90 का स्केयर रूट। अब हम फाइंड एक ही लेंथ हमारे पास बच गई है, यहाँ पर आएगा आपके पास 90 का स्केयर रूट, एक ही लेंथ आपके पास बच गई है जो कि आपके पास क्या है क्यू आर है। तो हम अब क्यू आर को फाइंड करते हैं किसकी मदद से, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, यहां पर आ जाएगा क्यू आर का मार्ग इज इक्वल टू आर क्या है आपके पास माइनस फोर उसका एक्स टू माइनस क्या आएगा आपके पास फाइव एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ हर एक पर साइड फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है फाइंड करने के लिए प्लस y2 माइनस फाइव वन मीन वन माइनस फोर मार्ट का स्केयर, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन मार्ट का स्केयर, वन माइनस फोर माइनस थ्री मार्ट का स्केयर, फोर का स्केयर नाइन नाइन दा एटी वन प्लस थ्री थ्री दा नाइन क्या आएगा आपके पास 90 का स्केयर रूट। From here you can see that as PR mod is equal to QR mod and that is equal to 90 square root. Two sides equal हैं PR और QR, जबकि PQ side equal नहीं है जो कि किसके equal है 6 के। तो आप कोई बता सकता है कि ये कौन सी triangle होगी? Of course this is isosceles triangle. आइसोसेल ट्रायंगल, अगर आपने ये डिफाइन याद नहीं की तो आप याद कर लेंगे कि आइसोसेल ट्रायंगल क्या डिफाइन होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो आइसोसेल ट्रायंगल कहलाती है। नाउ वी सॉ क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस आर माइनस वन कॉमा वन फाइव कॉमा फोर टू कॉमा माइनस टू एंड माइनस फोर कॉमा वन फॉर्म आ स्केयर। अब हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें हमने ये शो करना था कि आपके पास ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कौन सी ट्राइंगल बना रहे हैं इक्विलेटरल या आइसोसेल, वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें उसकी साइड्स का पता हो। सबसे पहले मैंने पी क्यू आर पॉइंट्स लिए, फिर उसके बाद मैंने क्या किया पी क्यू और पी आर और क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड कर लिया डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। फिर हमारे पास साइड्स आ गई, ये 90 है ये 6 है ये 90 डिग्री है, दो साइड जब इक्वल हो एक साइड डिफरेंट हो उसे क्या कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। और ये हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि दो साइड इक्वल थी और एक साइड इक्वल नहीं थी।
इसलिए ये क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल है। अब हमें क्वेश्चन नंबर टू में ये बताना है कि जो चार पॉइंट्स गिवन हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये हमें क्या करना है, शो करना है। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर टू। That is minus 1 comma 1, 5 comma 4, 4 comma 1, 5 comma 4, 2 comma minus 2, and minus 4 comma 1. ये आपके पास 4 points दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो ये एक पॉइंट 1, 2, 3, 4 लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट है P, दैट इज माइनस 1, 1। एक पॉइंट है Q जो कि 5, 4। एक पॉइंट है R जो कि आपके पास है 2, -2। और एक पॉइंट है एस जो गया -4, 1। तो सबसे पहले तो हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना होगा ताकि हमारे पास एक स्क्वायर की साइज आ जाए। अगर वो चारों साइड इक्वल होंगी तो हमारे पास स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से, जो कि क्या होता है आपके पास x2 - x1 mod square + y2 - y1 mod square। तो सबसे पहले क्या करते हैं, PQ फाइंड, फोर साइड्स फाइंड कर लेते हैं। अगर फोर साइड्स इक्वल होंगी तो वो स्केयर इक्वल ना हो बाकी तीन साइड के तो वो स्केयर नहीं होगा। तो एक और बात, साइड्स फाइंड करने के लिए हमें उन P और Q के दरमियान डिस्टेंस का पता होना चाहिए, लेंथ का पता होना चाहिए कितना है। जो लेंथ है वो हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 y2 - y1 mod का स्क्वायर। तो आप सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू के दरमियान कितना डिस्टेंस है। पी क्यू x2 होगा 5, x1 होगा -1, मतलब 5 - -1। माइनस फार्मूले का लगा रहे हैं हम, मॉड का स्केयर प्लस वाई टू हमारे पास होगा 4, वाई वन होगा 1, 4 - 1 मॉड का स्केयर। माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6, 6 का स्केयर क्या होता है 36, प्लस 4 में से 1 गए 3, 3 का स्केयर होता है 9, 36 प्लस 9 क्या होता है 45 का स्केयर रूट। इसको यहीं पर रहने देते, मजीद सोल्व नहीं करते। ये हमारे पास फाइंड हो गया जो कि क्या है 45 का स्केयर रूट है। अब QS फाइंड कर लेते हैं, QS डिस्टेंस फार्मूले की मदद से क्या आएगा, -4 - 5 मॉड का स्केयर प्लस y2 - y1 1 - 4 का स्केयर। -4 - 5 9, -9 मॉड का स्केयर प्लस 1 - 4 - 3 मॉड का स्केयर, स्केयर रूट। -9 का स्केयर क्या होता है आपके पास 81, प्लस 3 का स्केयर क्या होता है 9, क्या आएगा आपके पास 90 का स्केयर रूट। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, 90 का स्केयर रूट। फिर फाइंड कर लेते हैं एस आर, एस आर आपके पास क्या होगा, एस आर मतलब ये एक्स टू होगा, जो सेकंड हो, सेकंड नंबर हो, सेकंड पॉइंट हो वो आपके पास एक्स टू वाई टू होता है, और जो फर्स्ट नंबर हो वो एक्स वन वाई वन होता है। टू माइनस फार्मूले का, फिर दोबारा माइनस फोर है तो -4 मॉड का स्केयर प्लस -2 - 1, -2 माइनस फार्मूले का प्लस 1 आएगा,
mod का स्केल. तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एस आर मॉड माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 6, 6 का स्केयर 36, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, माइनस 3 का स्केयर प्लस 9, 36 प्लस 9 45 का स्केयर रूट. अब आपके पास आ जाएगा आर पी या पी आर भी कह सकते हैं, एक ही बात है पी आर. वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1, या लिख देता हूं 2 माइनस माइनस 1 मॉड का स्केयर प्लस 2 माइनस 1 मॉड का स्केयर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्केयर 9, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 का स्केयर 9. प्लस 9 18. यू कैन सी हियर पी क्यू क्यू एस, यहां पर आप देख सकते हैं पी क्यू और एस आर इक्वल है, जो कि 45 स्क्वायर रूट है. पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, सॉरी एस आर that is equal to 45 square root, but that is not equal to PR. ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, PR के इक्वल नहीं है, PR के इक्वल भी नहीं है, QS के इक्वल भी नहीं है. एक 90 आ रहा है आपके पास और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, 18 square root आ रहा है. तो स्केयर के लिए जरूरी है कि फोर साइड इक्वल हो, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एज फोर साइड आर नॉट इक्वल दैट्स व्हाई फोर पॉइंट्स डू नॉट मेक द गिवन, फोर पॉइंट्स नहीं कहेंगे, दोबारा रिपीट करता हूं, एज फोर एज पी क्यू एस आर इज इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू पी आर, That's why given points do not make a square. जो given points हैं वो एक square नहीं बनाएंगे.